हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सीमा पांचाल फ्रॉम श्रीमती एलपी सवानी विद्या भवन एंड टुडे वी विल स्टार्ट अवर लेसन नंबर 11 कैरल की सैर। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा लेसन है कैरल की सैर। यहाँ पर एक आपको लेटर दिखाया गया है जो कि मणि ने लिखा है गोपालन को। यहाँ पर गोपालन है जो कि कैरल घूमने गया है और वहाँ से अपने मित्र मणि को पत्र लिखता है और बताता है कि वहाँ कहाँ घूमने गया है और वहाँ पर क्या कर रहा है। तो हम शुरू करते हैं, तो देखते हैं। पहले उसने लेटर में लिखा है, कहाँ से लिखा है उस जगह का नाम कैरल, फिर लिखा है डेट 15 मई, और किसको लिखा है पत्र, गोपालन को। तो उसने लिखा है प्रिय मित्र गोपालन। आगे वो क्या लिखता है देखिए, मैं अपने परिवार के साथ कैरल घूमने आया हूँ। कैरल तो प्रकृति का सुंदर उपहार है, हरे हरे धान के खेत, समुद्री तट, बैक वाटर्स और नारियल के ऊंचे पेड़ इसकी सुंदरता में चांद लगा देते हैं। तो मणि लिखता है कि वह घूमने के लिए कैरल गया हुआ है और कैरल से वह पत्र लिख रहा है कि कैरल प्रकृति का सुंदर उपहार है, यानी कि आप कैरल जाओगे तो देखोगे वहाँ पर बहुत ही ग्रीनरी है, बहुत सारे पेड़ पौधे और वृक्ष हैं, हरे हरे धान के खेत है और वहाँ पर समुद्र तट यानी बीचेस भी है, और बीचेस है तो वहाँ पर क्या है, नारियल के ऊंचे ऊंचे पेड़ है जो कि इसकी सुंदरता को चार चांद लगा देते हैं, यानी कि और भी उसकी सुंदरता को बढ़ा देते हैं। फिर वो आगे क्या लिखता है, कोवलम तट तो संसार के सुंदरतम तटों में से एक है। वहाँ पर एक तट है जिसका नाम है कोवलम, जो कि बहुत ही सुंदर है। यहाँ नारियल और ताड़ के बहुत से पेड़ हैं। फिर उसने बताया है कि वहाँ पर ताड़ और नारियल के पेड़ बहुत सारे हैं। हम कोवलम में हाउस बोट पर भी घूमे और वहाँ पर क्या है, हाउस बोट। हमने चाय, कॉफ़ी, रबर, इलायची, संतरा और काली मिर्च के विशाल बाग बगीचे देखे। तो केरल तो इसी के लिए फेमस है, केरल में बहुत सारे सारे मसाले जो आप गरम मसाले में देखते हैं वो सब हमें केरल में ही मिलते हैं। और उसके अलावा केरल में क्या क्या मिलता है, चाय, कॉफ़ी, रबर, इलायची, संतरा और काली मिर्च। यह मसाले बहुत अच्छे व सस्ते मिलते हैं क्योंकि मसालों का उत्पादन वहाँ पर होता है, इसलिए उनका रेट भी वहाँ पर कम होता है। मुझे यहाँ इडली, डोसा और उत्तपम बहुत स्वादिष्ट लगे। तो ये तो आपको पता ही है कि इडली, डोसा और उत्तपम वहाँ साउथ इंडियन डिश है और केरल में तो ये बहुत ही मिलता है, तो उसे वहाँ पर ये बहुत ही स्वादिष्ट लगे। यहाँ का मौसम बहुत सुहावना है, केरल घूमने में सचमुच बहुत आनंद आ रहा है और वहाँ का मौसम और वेदर कैसा, एकदम प्लेजेंट, और उसे केरल घूमने में बहुत मज़ा आ रहा है। फिर एंड में उसने लिखा है तुम्हारा मित्र मणि और उसका नाम लिखा है। तो इस लेटर में एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को केरल के बारे में बता रहा है कि केरल में वह क्या क्या घूमा है, वहाँ पर कौन से भोजन मिलते हैं और कौन से मसाले मिलते हैं, वहाँ का वेदर कैसा है, यहाँ सब उसने इस लेटर में बताया है। अब हम आगे देखते हैं। अब आगे हम देखते हैं एक्सरसाइजेस। तो एक्सरसाइजेस में पहला है वर्ड मीनिंग, तो एक बार मैं रीड करती हूँ वर्ड मीनिंग्स। प्रिय, डियर, प्रकृति, नेचर, नारियल, कोकोनट, सुहावना, प्लेजेंट, परिवार, फैमिली, धान, पैडी, तार, प्लाम, आनंद, जॉय, घूमने, ट्रेवल, समुद्री तट, बीच, मौसम, वेदर, मित्र, फ्रेंड, सुंदर, ब्यूटीफुल, उपहार, गिफ्ट, संसार, वर्ड। तो ये थे हमारे वर्ड्स मीनिंग। नाउ नीचे देखेंगे एक्सरसाइज 1, पढ़िए और समझिए, रीड एंड अंडरस्टैंड। तो रीड एंड अंडरस्टैंड में दिखाया गया है कि
फल, मसाले और सब्जियां और भोजन, इनके नेम्स दिए हुए। जैसे पहले फर्स्ट लाइन में दिया है केला, संतरा, आम, तो ये सब क्या है? फल। फिर सेकंड है काली मिर्च, इलायची और हल्दी, तो ये सब क्या है? मसाले। फिर है गोभी, आलू, प्याज, तो ये सब है सब्जियां। उसके बाद है इडली, डोसा, उत्तपम, तो ये है भोजन। तो इस प्रकार हमें ये सब फल, मसाले और सब्जियां और भोजन के बारे में बताया है। फिर है नेक्स्ट पढ़िए, समझिए और मिलाइए, मैच द फॉलोइंग्स। तो देखिए इसे हम मैचिंग करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट है, यहाँ पर यह पत्र लिखा, तो किसने लिखा यह पत्र? यह पत्र लिखा है मणि ने। फिर नेक्स्ट है सॉरी यहाँ से लाइन करना, यह पत्र किसने लिखा है? मणि ने। फिर किसको लिखा था? तो किसको लिखा था? गोपालन को। नेक्स्ट है कहाँ से, तो कहाँ से लिखा था? कैरल से। और कब लिखा था? तो वहाँ पर हमें डेट बताई गई थी 15 मई यानी 15 मई 2000 को। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज है शब्द का मिलान उसके अर्थ से कीजिए, मैच द वर्ड विथ इट्स मीनिंग। तो यहाँ आपको उसके मीनिंग से हमें मैचिंग करना है वर्ड को। तो फर्स्ट है यहाँ पर नारियल, तो नारियल को क्या बोलते हैं? कोकोनट, तो यहाँ हम ऐड करेंगे कोकोनट। फिर है तार, तो तार मतलब प्लाम। पाम ट्री पर हम करेंगे मैच। फिर है धान, तो धान को बोलते हैं पैडी। फिर नेक्स्ट है तट, तो तट मीन्स बीच। फिर है प्रिय, प्रिय मीन्स डियर। तो इस तरह हमने किया मैच। फिर है एक्सरसाइज नंबर ख, चित्र पहचान कर उसके नाम लिखिए, रिकग्नाइज द पिक्चर एंड राइट देयर नेम्स। तो यहाँ पर हमें पिक्चर देखने हैं और उसके नेम लिखना है कि कौन सा पिक्चर है। जैसे फर्स्ट पिक्चर है यहाँ पर संतरा, तो हम नीचे लिखेंगे संतरा। फिर है नारियल, तो नीचे लिखेंगे हम नारियल। फिर थर्ड पिक्चर है डोसा, तो यहाँ हम लिखेंगे डोसा। फिर है नीचे काली मिर्च, तो लिखेंगे काली मिर्च। फिर उसके बाद दिया है इडली, तो हम लिखेंगे इडली। फिर लास्ट पिक्चर है इलायची, तो हम लिखेंगे इलायची नीचे। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 3 ख। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी पढ़िए, समझिए और रंगों के नाम से रिक्त स्थान भरिए, रीड, अंडरस्टैंड एंड फील इन द ब्लैंक्स विथ कलर नेम्स। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट एग्जांपल लाल मिर्च, यानी मिर्च का कलर कैसा होता है? लाल। फिर नेक्स्ट है हल्दी, तो हल्दी कैसे रंग की होती है? पीली, तो हम लिखेंगे यहाँ पर पीली। फिर है नमक, तो नमक का कलर कैसा होता है? तो नमक होता है सफ़ेद। उसके बाद है जीरा, तो जीरे का कलर कैसा होता है? भूरा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर भूरा। फिर है सरसों, तो सरसों का रंग कैसा होता है? काला। उसके बाद है धनिया, तो धनी का कलर कैसा होता है? ग्रीन, यानी कि हरा, तो हम यहाँ लिखेंगे हरा। फिर है नेक्स्ट एक्सरसाइज 5 नंबर, समान लय वाले शब्द बनाइए, मेक राइमिंग वर्ड्स। तो हमें राइमिंग वर्ड्स बनाने हैं और यहाँ पर पिक्चर्स भी दिए हैं। जैसे पहला पिक्चर दिया है कान, फिर नेक्स्ट है यहाँ पर पिक्चर में हमें क्या दिख रहा है? धान, तो हम लिखेंगे धान। फिर है यान,
तो हम लिखेंगे नीचे या न। तो इस तरह होगा हमारा एक्सरसाइज नंबर 5 कंप्लीट। फिर देखेंगे हम एक्सरसाइज नंबर 6, लिख कर सीखिए, राइट एंड लर्न। तो यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आपको नीचे 2 कॉलम दिए हैं, वहाँ पर सेम आपको कॉपी करके लिखना है और गुड हैंडराइटिंग में लिखना है। ओके, इसके बाद है हमारा एक्सरसाइज मज़े मज़े में, दिए गए शब्दों में अंग लगाकर नए शब्द बनाइए, मेक न्यू वर्ड्स यूजिंग द साइन ऑफ अंग। तो यहाँ पर हम अंग की माता लगाकर शब्द बनाएंगे। जैसे पहला वर्ड है यहाँ पर सत, तो स में अंग की माता लगाकर वर्ड बनाया है संत। फिर है हस, तो यहाँ पर ह के ऊपर बिंदी लगाकर अंग की माता लगाकर बनाया है हंस। फिर है वर्ड रंग, तो र के ऊपर अंग की मात्रा लगाया है और बना है वर्ड रंग। फिर नेक्स्ट है दत, यानी कि द के ऊपर अंग की मात्रा, तो हो जाएगा दंत। तो इस तरह हमने 4 वर्ड देखे यहाँ पर, संत, हंस, रंग और दंत। फिर है यहाँ पर लास्ट एक्सरसाइज, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये आपको अपने आप करना है। इसमें दिया है गोपालन अपने मित्र मणि को यात्रा के लिए शुभकामना संदेश भेजना चाहता है, आप हिंदी में एक संदेश लिखने में उसकी सहायता कीजिए। गोपालन वॉन्ट्स टू सेंड हर बेस्ट विशेज SMS टू हिज फ्रेंड मानी, हेल्प हिम टू राइट द मैसेज इन हिंदी। तो आपको हिंदी में यहाँ एक मैसेज लिखना है गोपालन को मणि की यात्रा के लिए शुभकामनाओं के लिए। पहले तो मणि ने गोपालन को पत्र लिखा है और उसने वो पत्र पढ़ लिया है, अब उसके लिए वो उसको शुभकामना संदेश भेजना चाहता है। तो आपको एक यहाँ पर नीचे हिंदी में मैसेज लिखना है। ओके, तो नाउ ये है हमारा चैप्टर नंबर 11, कैरल की सैर।